हैप्पी दिवाली दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। अगर आप वीडियो दिवाली के बाद देख रहे हो फिर भी आपके लिए हैप्पी दिवाली, बिकॉज इस चैनल पे दिवाली जैसे धमाकेदार कंटेंट आते रहता है। आज हम बात करेंगे यार टेलविन सीएसएस के एब्सोल्यूट क्रैश कोर्स की। यार प्रीरिक्विजिट क्या है? प्रीरिक्विजिट इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत स्टाइलिंग का अंदाजा होना चाहिए, लाइक सीएसएस कैसे काम कर रहा है, एंड आपको एचटीएमएल आना चाहिए, दैट्स इट। और ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 घंटे के अंदर ये दोनों चीज सीख सकते हो, बेसिक बेसिक, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो यार पहले सबसे पहले टेलविन सीएसएस के वेबसाइट पे आओ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, ठीक है? अब यहाँ पे इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि टेलविन सीएलएस कैसे यूज करेंगे, यूजिंग पोस्ट सीएसएस फ्रेमवर्क गाइड प्लेट सीडीएन। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हमें सिर्फ यहाँ पे आ गए, ठीक है? अब मेन काम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक फोल्डर बनाओ यार। अभी अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस आता है तो यार एटलीस्ट आपको फोल्डर बनाना आता होगा, ठीक है? मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको आता है, नहीं आता तो बता दो, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के आपका जाता है, नाम दे दो। सो मेरा एक टेलविन सीएसएस का फोल्डर है, उसके अंदर सिर्फ टॉपिक्स नामक एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है? अब इस टॉपिक्स नामक टेक्स्ट फाइल में क्या है कि आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट, इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फोल्डर को हमारे वीएस कोड में खोल लेंगे। अभी वीएस कोड क्या है, वीएस कोड आईडी है, आई होप आपने इंस्टॉल की होगी, एंड अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो आप जाके इंस्टॉल करो, बहुत ईजी है, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, और यहाँ पे अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो आपको शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके ओपन विद कोड वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको ओपन विद कोड आपको दिख गया होगा, हम ये करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, दैट्स इट। क्या ये फाइल खुली मेरी? यस खुली, और ये अनटाइटल्ड टेक्स्ट, ठीक है? तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, हाँ ये जो पैनल है वो आपका ये साइड में होगा, ठीक है? अब चलो बात करते हैं। देखो यार टॉपिक डॉट टीएक्सटी में आज क्या क्या है, देखो हम पहले फॉन्ट्स एंड साइजिंग सीखेंगे, फिर मार्जिन्स पैडिंग्स बॉर्डर सीखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन होता है, ठीक है? फिर रेस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं, एंड आप देखोगे कि यार आपकी जो सीएसएस है उससे अच्छा ये काम कर लेता है, एंड देन होवर फोकस एंड कुछ चीजें देखेंगे, लाइक बाकी की चीजें देखें बाद में। हम लास्ट में एक अमेजिंग चीज करेंगे, दैट इज मैं आपको एक टेलविन सीएसएस के थ्रू वेबसाइट बना के दिखाऊंगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ठीक है? ये एक चीज करेंगे। अब यार क्या रुको, पहले इसको सेटअप कर लेते हैं थोड़ा। पहले मैं बात करता हूँ आपको एक बात, क्या टेलविन सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या हम सादे सीएसएस काम नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हो यार, वो बेसिक सीएसएस है। बेसिकली टेलविन एक यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क है। अभी वो क्या करता है, उसके पास एक प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, लाइक आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है? और देन आपको सिर्फ वो क्लासेस को यूज करना है, इतना ही काम होता है, ठीक है? बाकी सब क्या होता है, आपका जो टेलविन सीएसएस है बेसिकली सीएसएस ही कोड है, बस आप जो क्लासेस डिफाइन करते हो, लाइक राइटिंग, आप अगर आप समझो हेडिंग करके एक कुछ लिख रहे हो, क्लास बना रहे हो, ठीक है? तो हेडिंग क्लास के अंदर आप क्या क्या डालोगे, लाइक मेरा फॉन्ट साइज इतना होगा, मेरा बॉर्डर ये सब होगा, तो वो सब क्लासेस के जो आप क्लास लिखे ना, और वो आप एचटीएमएल फाइल में यूज करते हो, लाइक वही चीज है टेलविन सीएसएस, बस वो सर्वर पे है, क्लासेस बनी बनाई हुई, आपको सिर्फ उसको यूज करना, इतना ही काम होता है, ठीक है? और ये बेनिफिशियल तब होता है जब हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक हम जब ये बेसिक से जब हम सीएसएस लिखते हैं तो सीएसएस कोड बहुत लेंदी होता है, एंड एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि हम इतना सब चीजें हैंडल कर रहे हैं, पर टेलविन सीएसएस से ऐसा नहीं होता, आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, ठीक है? तो बिना ज्यादा फालतू गिरी के एक काम करें, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें रिक्वायर्ड है इंडेक्स डॉट सीएसएस की, लेकिन उसके पहले हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा भाई एक टेलविन सीएसएस सीखने के लिए या फिर अच्छे से लिखने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, मैं एक्सटेंशंस के पास जाऊंगा, मुझे एक तो लाइव सर्वर लगेगा, ठीक है? अब लाइव सर्वर क्या है, मुझे अपनी एचटीएमएल फाइल को लाइव दिखाना है, तो लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, आपको इंस्टॉल करना है, एंड एक होगा टेलविन इंटेलिजेंस करके होता है, ठीक है? देखो अगर मैं इतना भी लिखूँ ना वो आ जाएगा, देखो टेलविन इंटेलिजेंस है, ठीक है? आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आपको वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद एक बार चाहिए तो आप अपना वीएस कोड रिस्टार्ट कर दो, ठीक है? अच्छी बात होती है, चलो आगे बढ़े। हाँ ग्रेट। अब यार टॉपिक्स और टीएक्सटी हम थोड़ा साइड में रखेंगे ताकि हमें चीजें समझे। अब हम जाएंगे हमारी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.html, ठीक है? index.html अभी जो ये चीज को नया देख रहा है, देखो भाई अगर आप चीजें नहीं देख रहे हो फिर भी ठीक है, HTML फाइल हमारी मेन वेब की स्ट्रक्चर होती है, इतना आप समझ लो। सीएसएस फाइल हमारे
वेबसाइट की सुंदरता होती है, हमारा जो स्केलेटन है वो हमारा HTML है और हमारी ये जो ब्यूटी है लाइक कि हमारी स्किन कलर ऐसा है, हमारी आईब्रोज ऐसी है, वो है हमारा CSS। ठीक है, अब मैं शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबाऊंगा और देखो एमेट एब्रिविएशन के ऊपर एंटर करूंगा। आई होप आपको आप सबको इतना आता है, सबको इतना आता है, आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारी HTML फाइल है और यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ। H1 क्या होता है, हेडिंग होता है। मैं बोलूंगा टेल वेंड CSS क्रैश कोर्स। ठीक है, आई होप आप इसको एंजॉय भी करोगे। और लाइव सर्वर जो मैंने आपको बताया था उसके वजह से एक ऑप्शन आएगा गो लाइव करके, तो मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूंगा एंड आप देखोगे कि एक लाइव सर्वर करके चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो चालू हो गया, ये चालू हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको क्रोम में ओपन करूंगा बिकॉज क्रोम का डेवलपर टूल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त है। ठीक है, चलो मस्त दिखा। अब हम क्या करेंगे, टेलविंड CSS को इंस्टॉल करेंगे। अब हम यहाँ पे टेलविंड CLI यूज करेंगे। देखो क्या है, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। टेलविंड CSS इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, YNPM एंड क्रिएट इंस्टॉल टेलविंड CSS YNPM एंड क्रिएट योर टेलविंड copy.js फाइल। सो इसके लिए पहले आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अब Node.js को आपको इंस्टॉल करना है। अगर मैं देखो एक सबसे इजी होता है कि आप ना ये कर दो, ये स्क्रिप्ट कॉपी करो, अपनी HTML फाइल में पेस्ट करो और टेलविंड CSS चालू कर दो। बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपका टेलविंड इंटेलिजेंस है वो काम नहीं करता। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी टेलविंड CSS लिखने के लिए। इसके लिए यही सबसे बेस्ट मेथड है जो कि प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो जाता है, तो आप ये फॉलो करो। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट देखो काम करो। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज कॉपी करनी है, मेक श्योर आपके इसमें इंस्टॉल्ड है Node.js। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आना है node-hyphen वर्जन है शायद से कमांड, यस। तो देखो वर्जन 18.16.0 जो लेटेस्ट है वो। ठीक है, अब आपके इसमें अलग आ सकता है, अगर आप में नहीं फाउंड हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है तो Node.js इंस्टॉल करो। मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सो देखो ये यहाँ पे एक टेलविंड CSS को ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, चलो करने दो इंस्टॉल। यस, नेटवर्क चालू है, यस मेरा प्रॉपरली टेलविंड CSS को इंस्टॉल कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा सेटअप के लिए टाइम लगता है, बट ये प्रोडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ देखो इसने बना लिया, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया सेटअप करके। npx टेलविंड इनिट, अब ये टेलविंड इनिट, अब ये नोड पैकेज एक्सिक्यूटर टेलविंड CSS को इनिट कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अब ये क्या करेगा एक फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा tailwindconfig.js। ठीक है, अब ये tailwindconfig.js फाइल है उसको बनाएगा। चलो ये भी अच्छी बात है। अब ये जो भी चीज है इसको यहाँ पे कॉपी करो और tailwindconfig.js के अंदर पेस्ट करो। यहाँ पे आके कंट्रोल ए दबाया, बेसिकली बैकस्पेस और कंट्रोल बी दबाया। ठीक है, ग्रेट, ऑसम। अब देखो source/input.css एक फाइल बनाओ। ठीक है, हम बनाते हैं, हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे src, ओके, उसमें /input.css। ठीक है, एक फाइल, अरे यार ये अच्छा ये फोल्डर ही बन गया, काम यस करता हूँ। देखो क्या करना है, हमें एक फाइल बनाना है, बेसिकली क्या है source/input.css। अब ये क्या करेगा, सोर्स फोल्डर के अंदर एक इनपुट फाइल बना देगा। अभी ये क्या है, सोर्स, अच्छा सोर्स फोल्डर के अंदर एक सोर्स, ये क्या है, नकली यार, देखो सोर्स फोल्डर, अच्छा सॉरी, देखो सोर्स फोल्डर के अंदर मुझे बेसिकली एक क्या बनानी है, input.css फाइल बनानी है। चलो ठीक है, ये बनानी है। अब इस input.css में मुझे ये तीनों चीज कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे तीनों चीज कॉपी पेस्ट, डन। ठीक है, अब क्या करना है, रन द CLI टूल टू स्कैन योर टेम्पलेट फाइल्स फॉर क्लासेस। ठीक है, तो अभी ये जो चीज है ना मुझे कॉपी करनी है और मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, यस, देखो इसने हो गया, इसने वो लिखा कि सोर्स में input.css डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, कहाँ पे है सोर्स में, है ना भाई, अच्छा सोर्स, देखो सोर्स के अंदर, सोर्स फोल्डर में जो थोड़ा रायता फैला है,
ठीक है, थोड़ा सा रायता फैला है मैंने यहाँ पे, सोर्स के अंदर मुझे लगाना है, मूव कर देना है। ठीक है, अब सोर्स में इनपुट डॉट इंडेक्स ऑफ जेएसपी, ये थोड़ा मोटा ऐसा हो सकता है ठीक है, शॉर्ट कट के टाइम पे अगर मैं अभी ये चीज़ करूँ तो ये कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सोर्स डॉट सोर्स में, अच्छा यार इनपुट डॉट सी एस एस मुझे मूव करना है बेसिकली, ये मूव करना है और इंडेक्स डॉट सी एस एस को बाहर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को बाहर ही लाओ। ठीक है, बाहर ही लाओ, ये क्या हो गया, इसको बाहर ही लाओ। तो ये इंडेक्स डॉट सी एस एस मेरा, इंडेक्स डॉट जेएस मेरा बाहर है, ओके इंडेक्स डॉट जेएस बाहर है मेरा, एच टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाहर है, इनपुट डॉट सी एस एस यहाँ पे है। अब इसको कंपाइल करके देखता हूँ, ऐसी आपको चीज़ें आती रहेंगी आप जब डेवलपमेंट करोगे तो आपको एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक चीज को देखो, हर एक एरर कैसे सॉल्व होगा वो देखो। ठीक है, अब क्या करो, अब मुझे बेसिकली सोर्स इंडेक्स और एसटीएमएल, अच्छा सोर्स में भी इंडेक्स और एसटीएमएल चाहिए मुझे, उसमें मूव कर रहा हूँ, ग्रेट। अब वहां पे क्या करो, सिर्फ लिंक ये ऐड कर दो। ठीक है, चलो लिंक ये ऐड कर दो, तो मैं लिंक ये ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और देन मुझे बेसिकली क्या करना है, इसको रन करना होगा। अब रन कैसे करेंगे, डन, ठीक है ये डन हो रहा है। अब पोर्ट 509222 पे चल रहा है, यहाँ पे 509222 पे चल रहा है, कैन नॉट गेट इंडेक्स और एचटीएमएल, कुछ खास है क्या यार, एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, देन आई विल स्टार्ट अ न्यू लाइव सर्वर। यस यस ये चल रहा है देखो, और आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज अप्लाई हो गई है, दैट इज कि जब मैं ये चीज ये फाइल को हटाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपना ओरिजिनल चीज दिख रहा है, लाइक आपका H1 दिख रहा है। ठीक है, फिर जैसे मैं टेलीविजन सीरीज को अप्लाई करता हूँ आपका चला गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया कि यार आपको यहाँ पे टेलविन इंटेलिजेंस इंस्टॉल करना है, तो लाइव सर्वर और टेलविन इंटेलिजेंस आपको इंस्टॉल कर लेना है। टेलविन इंटेलिजेंस अगर करोगे तो आपको ये चीज़ है वो इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तब जाके आपको ये आता है, लाइक थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि क्रैश कोर्स, तो यार देखो क्रैश कोर्स ऐड हो गया। अब मेन बात करते हैं, इसको मैं जूम करूंगा थोड़ा सा जूम भाई, थोड़ा सा जूम, ओके। इस बॉडी के अंदर, या फिर इस बॉडी के अंदर क्यों, पहले हम क्या देखते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, इससे ज्यादा भी आपको सीखना है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है, इसके बाद हमें फ्लेक्स भी सीखना है, बहुत बाकी चीजें सीखनी है। ठीक है, पहले बात करेंगे फॉन्ट्स एंड साइजिंग के ऊपर, तो फॉन्ट्स एंड साइजिंग के ऊपर क्लास ऐड करूंगा जैसे हम करते थे क्लास ऐड। अब यार मुझे फॉन्ट उसका बढ़ाना है, ठीक है, या फिर मैं इसका टेक्स्ट बढ़ाना है, ठीक है टेक्स्ट बढ़ाना है इसका, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे टेक्स्ट इसका लार्ज कर दो, एक साइज। अब दुकानदारों के पास जाते हो, लाइक पिज्जा, पिज्जा मुझे कैसे चाहिए, रेगुलर चाहिए, लार्ज चाहिए, ऐसा होता है ना, सो मुझे ऐसे ही मुझे टेक्स्ट को लार्ज करना है, LG। ठीक है, देखो ये इंटेलिजेंस ने कैसे काम किया, एंटर करूंगा, देखो टेक्स्ट लार्ज है। ठीक है, अब टेक्स्ट एक्सेल होता है, इसमें एक्सेल है, देखो टेक्स्ट की साइज बढ़ गई, टेक्स्ट 2XL होता है, देखो टेक्स्ट की साइज बढ़ गई, टेक्स्ट 4XL होता है, क्या हुआ, देखो साइज बढ़ गई। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा लेटेंसी में काम कर रहा है, बट काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है चलो, अब इसमें क्या होता है भाई, देखो अगर मैं टेक्स्ट करके हाइफन लगा के अगर स्पेस दबाता हूँ ना, तो मुझे भी दिखाता है, ये देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी, लाइक टेक्स्ट एक्सेस होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट SM होता है स्मॉल, टेक्स्ट बेस होता है XG होता है, 2XL होता है, 3XL होता है, 4XL होता है, 5XL होता है, 6XL होता है, 7XL होता है, 8XL होता है, 8XL करके देखते हैं कितना मजा आएगा। लाइक इसको रिफ्रेश करूंगा, यस ठीक है दिख रहा है बराबर, नहीं दिख रहा है ठीक है, मेरे लिए 4XL ग्रेट है। ठीक है, और टेक्स्ट 4XL, ठीक है, ओ, एक बार रिफ्रेश, ठीक है चलो टेक्स्ट 4XL हुआ। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, टेक्स्ट क्या करना है मुझे सेंटर करना है, ऐसे करूंगा तो टेक्स्ट सेंटर आ गई। अब यार मुझे क्या करना है, मुझे ये जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट जो भी फॉन्ट है आपका, उसको बोल्ड करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉन्ट को क्या कर दो, फॉन्ट को क्या कर दो, बोल्ड कर दो। देखो बोल्ड हो गया यार, अभी देखो फॉन्ट के साथ साथ बोल्ड के साथ बहुत सेमी बोल्ड आ रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड आ रहा है, ठीक है और बहुत चीजें। अब हमें फॉन्ट के साथ तो कुछ और करना है, लाइक मुझे फॉन्ट का कैसे दे, फॉन्ट फैमिली क्या देनी है मुझे, फॉन्ट सेंस देना है, तो देखो फॉन्ट सेंस कुछ ऐसा लगता है,
फिर अगर मैं फॉन्ट को सेरिफ दूंगा तो देखो फॉन्ट सेरिफ कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है, कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है। और क्या दे सकता हूँ मैं फॉन्ट को, मैं फॉन्ट को लाइट दे सकता हूँ, तो देखो फॉन्ट लाइट अगर करूंगा तो ऐसा होगा। एंड मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली आप एक चीज़ों को एक्सप्लोर करो। देखो एक चीज़ यहाँ पे, अगर मैं फॉन्ट थिन करता हूँ सो यहाँ पे ना एक एरर आ, एरर मतलब देखो एक वार्निंग आ गई, क्योंकि फॉन्ट बोल्ड और फॉन्ट थिन एक ही है। क्योंकि देखो मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मुझे दिखता है कि इसमें कौन सा एक्चुअली प्रॉपर्टी यूज हो। तो देखो यहाँ पे मेरा फॉन्ट बोल्ड जब मैं क्लास यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर फॉन्ट वेट 700 ऐड हो रहा है, और मैं यहाँ पे जब यूज कर रहा हूँ फॉन्ट थिन तो वहां पे फॉन्ट वेट 100 ऐड हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ऐड क्या हो रहा है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 700 भी दिखा रहा हूँ और 100 भी दिखा रहा हूँ, तो ऐसा ये फ्लो चल रहा है। लाइक पहले फॉन्ट बोल्ड 700 हो गया, फिर ये तो मैं दोनों भी प्रॉपर्टी मेरी एक ही काम कर रही है जो कि फॉन्ट का वेट एडजस्ट करने का, तो मुझे एरर आ रहा है, तो मैं इसमें से एक हटा दूंगा। सो मैं फॉन्ट थिन ही हटा दूंगा, मुझे फॉन्ट बोल्ड ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट सेरिफ रखना चाहूंगा, सेरिफ। अब यार भाई आपको क्या, या क्या आपने रटे हैं ये? नहीं भाई नहीं, मैंने रटा नहीं। तो कहाँ पे अगर आपको डाउट भी आता है क्लासेस में आप यहाँ पे आओ। लाइक अगर मेरा कुछ है लाइक फॉन्ट के रिलेटेड कुछ है, फॉन्ट 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 वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट के रिलेटेड है, तो फॉन्ट वेट में आओ, यहाँ पे फॉन्ट थिन, एक्स्ट्रा लाइट, ये सब चीज़ें करो, बहुत अमेजिंग। देखो फॉन्ट में कितने कितने हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड है, फॉन्ट ब्लैक है, बहुत चीज़ है, बहुत चीज़ है आपको देखनी है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब यार सेकेंड इज मार्जिन पैडिंग्स, ठीक है, ये बात भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मुझे ये फॉन्ट के बैकग्राउंड को कलर देना, तो मैं बोला BG येलो 400, सो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखेगा। और मैं इसको अगर ऐसा करूंगा ना, रिलोड, क्या हो रहा है भाई, येलो, अच्छा येलो का देखो स्पेलिंग मैंने रॉन्ग दिखा तो ये अप्लाई नहीं हुआ। येलो 700 400 करूंगा तो देखो ये ऐसा हो रहा है। अब यार इसमें क्या कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। लाइक देखो इतने क्लासेस हैं, 950 तक है, ठीक है, 50 से लेके 950 तक। अगर मैं 950 करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा जो बहुत गंदा दिखता है, एंड अगर मैं इसको 400 करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप चेक कर सकते हो, टेस्ट करो यार, खेलो इसके साथ। ओके, ऐसे आप अपने बैकग्राउंड को भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं और एक बी ऐसा होता है BG ओपेसिटी। देखो बैकग्राउंड की ओपेसिटी में अगर 10 रखना चाहूंगा तो देखो कितना सा अप्लाई हो जाएगा। देखो देखो थोड़ा सा अप्लाई हुआ। अगर मैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी 25 करूंगा तो देखो कितना सा अप्लाई हुआ। तो आप ऐसे बैकग्राउंड की ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यार देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका, पैडिंग और मार्जिन का, ठीक है। आपको पता है पैडिंग मार्जिन कैसे करते हैं? सो समझो मुझे पैडिंग देना है सब डायरेक्शन से, तो मैं बोलूंगा पैडिंग 2 कर दो। तो देखो सब डायरेक्शन से ना पैडिंग 2 को ऐड कर देगा, ऐसे अभी नहीं, पैडिंग और हाइफन 2 होता है, ठीक है। सो देखो ये क्या, इसका बेसिकली देखो पैडिंग 2, जैसे मैं यूटिलिटी क्लास लगाऊंगा तो ये चीज ऐड होगी, दैट इज पैडिंग 0.5 रैम। ओके ये हो गया। सो पैडिंग 2 करूंगा तो देखो आप यहाँ पे देखो पैडिंग बढ़ गई है। अगर आप थोड़ा प्रीवियस करके देखो, पैडिंग 4 करूंगा तो ये चारों डायरेक्शन से इसकी पैडिंग 4, देखो पैडिंग 4 करके है क्लास, देखो चारों डायरेक्शन से इसकी पैडिंग बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई है। अगर मैं पैडिंग Y4 करूँ, सो पैडिंग Y4 हो गई, बेसिकली आपको ऐसी दिखेगी नहीं, बिकॉज इसको थोड़ा बॉर्डर वगैरह देना बाकी है। तो पहले बॉर्डर का भी काम कर लेते हैं। देखो लाइक पैडिंग मुझे 3 देनी है, ओके ठीक है, ओके। अब मुझे मार्जिन देना है 2, देखो मार्जिन 2 दूंगा तो देखो सब डायरेक्शन से मार्जिन 2 ऐड हो गई। देखो यहाँ पे मार्जिन 2 यहाँ पे ऐड हो गई, मार्जिन 2 यहाँ पे, मार्जिन 2 यहाँ पे ऐड हो गई, मार्जिन 2 यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अब मुझे मार्जिन सिर्फ एक एक्सिस में 2 देना है, एक्स एक्सिस में। तो देखो यार यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब ये वाली मेरी एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x 2, या आप यहाँ पे 2। अभी मुझे मार्जिन सिर्फ वाई में ऐड करनी है, तो कैसे? देखो ऊपर ऊपर ऐड हो गई, नीचे भी ऐड हो गई, बट आपको दिख रही नहीं है, ठीक है। अब यार क्या होगा अगर मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप में ही देनी है, या फिर मुझे मार्जिन लेफ्ट में ही देनी है, ठीक है, बहुत सिंपल है इसमें। ML स्टैंड फॉर मार्जिन लेफ्ट। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट के दूंगा, देखो सिर्फ लेफ्ट से 2 ऐड हो गई। अगर मैं मार्जिन राइट से 2 देता हूँ तो क्या, ठीक है, अच्छा लगा यार, सभी अच्छा लगा क्या, ये चीज़ अच्छी लगी क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, M2 ये कुछ ऐसा होगा, बट ये मैं M2 बेसिकली दूंगा नहीं, तो आपको समझ गया बेसिकली क्या चीज़ हो रही है। अब यार मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ, मुझे चाहिए मार्जिन, लेकिन मैं खुद के पिक्सल्स में, मुझे मुझे इतने पिक्सल्स की मार्जिन चाहिए, तो कैसे करूँगा?
उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पे कंसेप्ट मैंने लिखा दिया, लिख दिया है कि या कि ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, अभी वो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन है क्या है वो आपको बताऊंगा। अब मुझे मार्जिन चाहिए, ठीक है, मार्जिन चाहिए टॉप से, ठीक है। अगर मैं 2 का 1 करूंगा तो देखो मार्जिन टॉप से इतनी आ रही है, मार्जिन 5 करूंगा तो देखो इतना आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इतनी सब क्लासेस है, ये इतनी क्लासेस ही मैं यूज कर सकता हूँ, बट मुझे चाहिए मार्जिन टॉप, वो भी मैं 100 पिक्सल देना चाहूंगा। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर देना है और 100 पिक्सल इसमें लिख देना है। OMG, that's how you can add the custom things, ठीक है? आप ऐसे custom चीज़ को add कर सकते हो, ठीक है? अब चलो मैं BG yellow, या तो वैसे भी already बहुत सारे classes हो जाते हैं, कोई problem नहीं। अब आपने देखा margin top में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 20 pixels should be fine for me, and वो दे देता हूँ। तो देखो आपने चीज़ देखी कैसी चीज़ें add हो रही है, okay? Great. ठीक है, अब आ जाए थोड़ा सा बॉर्डर्स की तरफ, ठीक है। बॉर्डर्स की तरफ आना बहुत जरूरी है। सो समझो मुझे बॉर्डर देना है, तो पहले मुझे लिखना है पहले बॉर्डर, ठीक है। सो जैसे मैं बॉर्डर करूंगा और मैं इस चीज को पहले इसको इसको हटाऊंगा, ठीक है। देखो बॉर्डर एक छोटी सी हल्की सी ग्रे लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जो कि पहले नहीं थी। देखो यहाँ पे अगर आपको, अगर मैं इसको बॉर्डर 2 करूंगा, ठीक है, देखो थोड़ी सी वो लाइन बढ़ गई। अब आपको यार एक चीज याद रखनी है, अगर आपको बॉर्डर देनी है तो आपको बॉर्डर 1 नहीं लिखनी, ठीक है। बॉर्डर 1 करके यूटिलिटी क्लासेस में है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको डाउट आ रहा है कि यार बॉर्डर कैसा है, तो मैं यहाँ पे कुछ सर्च करो, यहाँ पे आके दैट इज अ बॉर्डर, तो बॉर्डर आएगी, तो बॉर्डर का सब प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, ठीक है। आपको जो आपको चीजें देखनी है आपको देख लो, ठीक है। बट यहाँ पे बॉर्डर मैं बॉर्डर 2 करूंगा, बॉर्डर 2, तो देखो बॉर्डर 2 के ऐड हो गए। अब क्या मैं इस बॉर्डर को कस्टमाइज कर सकता हूँ? यस कर सकते हो। मैं बोलूंगा बॉर्डर जो है वो हो जाए मेरी पर्पल 400 हो जाए। देखो ये बॉर्डर पर्पल 400 हो गई, ठीक है। चलो मुझे है ना भाई वो राउंडेड कॉर्नर्स करें, राउंडेड कॉर्नर्स कॉर्नर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली आप सीएसएस में प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर रेडियस इसमें नहीं होगा, इसमें होगा राउंडेड, ठीक है, राउंडेड MD, ठीक है। तो ये मीडियम साइज की राउंडेड, अभी देखो यार आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन x में भी 220, ठीक है, देखो ये, और मैं मार्जिन y में आई विल बी गिविंग इट 2, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब देखो यार ऊपर जो यहाँ पे ना मुझे 220 पिक्सल्स कुछ ज्यादा लग रहा है, 10 इज गुड, ओके। अब देखो यार थोड़े से प्रॉब्लम्स, कॉर्नर्स मेरे जो है ऐड हो गए। मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबा रहा हूँ और टॉगल वर्ड रैप कर रहा हूँ, सो मुझे रैप मिल रहा है, ठीक है। और राउंडेड MD, अब देखो मैं जैसे राउंडेड MD के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो राउंडेड MD बिहाइंड द सीन्स बॉर्डर रेडियस 0.375 रैम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका होता है 6 पिक्सल, ओके। देखो यहाँ पे चलो MD, मैं वैसे बॉर्डर HG भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ी से कॉर्नर बन गया, मैं 2XL कर सकता हूँ, देखो क्या होगा, बढ़ गई, ठीक है, तो राउंडनेस जो होती है बढ़ गई। अब मैं अगर राउंडेड फुल करूं, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा ही राउंडेड हो गया, ठीक है। ये चीज आपको देखनी जरूरी है, बट मेरे लिए राउंडेड MD इज वेरी गुड, ठीक है। चलो 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 ये चीजें आपने सीख ली, ओके, बहुत बहुत बेसिक चीज है, राउंडेड हो गया स्क्वायर ब्रैकेट से। रेस्पॉन्सिवनेस के ऊपर जाने के पहले हम थोड़ी सी और चीज देख लेते हैं, लाइक हमारा, ठीक है, देख मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, एक डिव बनाता हूँ, व्हाई माय HTML इज नॉट वर्किंग, ओके, डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर मैं डिव इनटू 3 कर देता हूँ, मतलब 3 डिव बनाना है मुझे। एक होगा मेरा डिव वन या फिर मैं आलसी हूँ थोड़ा सा, 3, ठीक है। 3 बॉक्सेस बन गए यहाँ पे, आपको दिख रहा है, यस। चलो ठीक है, अभी इसके साथ इसको कैसे सॉइलिंग करेंगे, मैं क्लास दूंगा, ठीक है। अब मैं ना अल्ट करके और क्लिक करते जाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लास दूंगा। अब मैं पहले को दूंगा कि तुम्हारी क्या हो, BG हो, वो मैं दोनों तीनों की भी ना रेड रेड और 400 दूंगा, ठीक है। तो देखो तीनों भी रेड है, ठीक है। मैं सेकेंड को ब्लू रेड ग्रीन ब्लू दूंगा, ठीक है, रेड RGB, तो रेड ग्रीन ब्लू या फिर रेड ग्रीन येलो, ठीक है,
ग्रीन, तो सेकेंड वाले को ग्रीन हो गया, और ये ब्लू या येलो आप बताओ क्या दूँ। ब्लू ठीक है, ब्लू ठीक है, अच्छा दिख रहा है। मैं येलो देता हूँ, येलो देता हूँ, नहीं नहीं यार ब्लू ही ठीक है यार। चलो तीन कलर्स मेरे ऐड हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको विद देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब मेरा कलर सिर्फ अलग है, मैं बाकी बॉक्सेस को विद वगैरह से दूंगा ठीक है। अल्ट 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 करके दिखा, अब मैं बोल सकता हूँ उसको कि तुम्हारी विद है वो क्या हो जाए, वो 100 विद। विद मतलब आपकी विद कितनी होती है, मतलब आपकी ऐसे चौड़ाई चौड़ाई ठीक है। विद विद में मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी, लाइक विद 3 करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, विद एक एक 3 हो गई ठीक है। विद 36 करूंगा तो आप देख सकते हो कि विद कैसे 36 हो गई। बट मैं यहाँ पे विद फुल करूंगा तो आप देखोगे कि विद इनकी फुल हो गई। विद अगर मैं कुछ ऐसे करूंगा विद स्क्रीन, तो यार आपको पता है स्क्रीन मतलब पूरी हो जाती है ठीक है, वही आपकी स्क्रीन। अब यार देखो मैं अगर इसकी विद दूंगा, मैं तीनों को बोलूंगा कि तुम्हारी विद 100 100 100 पिक्सल्स है ठीक है। तो अभी इतनी है, मैं थोड़ा से ज्यादा भी दूँ दूँ तो चलेगा, 200 पिक्सल्स ओके ग्रेट है ठीक है। अब यार तुम्हारा मैं बोलूंगा और एक चीज़ कि तुम्हारी हाइट है ना, हाइट वो 300 पिक्सल्स हो जाए ओके। सो मेरी हाइट भी 300, ओ 300 कुछ ज़्यादा हो गई, सो 150 पिक्सल इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट ठीक है, 150 पिक्सल्स इज ग्रेट ठीक है। चलो बट भाई आप करना क्या चाह रहे हो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी मैं अगर इसकी ये हटा दूँ ना ये चीज़, अल्ट 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 करके तीनों को हटा दिया, अब मेरे से बॉक्सेस बन गए। अब मैं चाहता हूँ इनको फ्लेक्स करना, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे स्टाइल्स में डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, इतना करने की जरूरत नहीं है यार, 10 मिनट सीएसएस यूज करो। आपको क्या करना है, यहाँ पे आने क्लास ओके मेक श्योर कि यही सिर्फ हो। अब यार देखो भाई ये क्या कर रहा है ठीक है, देखो इन तीनों का पेरेंट ये है ठीक है। मैं आता हूँगा और मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, मैं लिखूंगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स हो गया, हाँ हो गया ठीक है। अब अगर जस्टिफाई करने क्या करना, सेंटर करना है ठीक है, आप जस्टिफाई सेंटर लिखोगे ना, सेंटर हो गया, ओ एम जी, अलाइन आइटम सेंटर करना है, आइटम्स सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर को सिर्फ आइटम सेंटर लिख दो, अलाइन आइटम्स लिखने की जरूरत भी नहीं, तो ये सेंटर हो गया बेसिकली। क्योंकि इसका अभी विद आपको अगर मैं फुल करके दिखाऊं, अगर मैं इसको कुछ बॉर्डर दूं ना तो आपको दिखेगा कि इसकी देखो इसकी लिमिट सिर्फ इधर तक है, मैं इसकी अगर हाइट बढ़ाऊँ ना तो आप उसको सेंटर में देख सकते हो। लाइक अगर मैं इसकी हाइट कर दूँ कुछ 40 VH कर दूँ, तो आप देखोगे कि 40 VH की हाइट है और ये अलाइन आइटम सेंटर हो रहे हैं ठीक है, इतने ठीक है। अभी मैं हाइट इस 40 VH रख देता हूँ। चलो अच्छा इन चीजों में ना थोड़ा सा ये चाहिए कि हर एक एलिमेंट, अच्छा आपको जस्टिफाई वो करना है कि आपको जस्टिफाई सेंटर करने के जगह में आप यहाँ पे जस्टिफाई एंड स्टार्ट करते हो तो जस्टिफाई स्टार्ट हो जाता है ठीक है। अगर आप जस्टिफाई बिटवीन करते हो तो आपको पता ही है, जस्टिफाई अराउंड करते हो तो आपको पता है कि क्या होगा, यस अराउंड में ऐसा हो रहा है ठीक है। जस्टिफाई इवनली करते हो तो इवनली स्पेस ऐड हो जा रहा है ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन करते हो तो यार बिटवीन में ये चीज ऐड हो रही है ठीक है। तो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, मैं जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ। और यार मेरे भाई मैंने ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखी थी गैप करके, वो बीच में ना गैप ऐड कर देती है, हाँ इसमें भी सेम ही है। लाइक आपको गैप करना है, गैप क्या करना है, मुझे गैप कितना देना है, मुझे समझो 3 का गैप देना है, यस हो रहा है, मैं 5 का गैप देना चाहता हूँ, 5 हो रहा है। बट इतना याद रखो कि जितना आप गैप दे रहे हो वो आपकी इसमें क्लासेस में होनी चाहिए, या फिर आपको कस्टम देनी पड़ेगी। लाइक मेरा गैप कितना देना चाहता हूँ, मैं 200 पिक्सल दूंगा, तो देखो कुछ ऐसा गैप बनेगा जो बहुत घटिया दिखेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे उसको 30 पिक्सल से मेरा जो है ठीक है काम कर लेता हूँ। दैट्स इट, कैसे लगा आपको, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं ठीक है। अब यार देखते हैं और कौन सी टॉपिक बचते हैं। हाँ एक रेस्पॉन्सिवनेस मेन टॉपिक बचा है, बाद में थोड़ा सा होवर वगैरह एक एक्स्ट्रा आप देख सकते हो ठीक है। चलो अब ये मेरा कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने ठीक है, रेस्पॉन्सिव टैब बन गया ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा या फिर मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो रेस्पॉन्सिव सिर्फ नाम के लिए है लेकिन रेस्पॉन्सिव नहीं है। अभी मेरा आईफोन SE मैंने ओपन किया, कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत घटिया दिख रहा है। चलो अब मैं चाहता हूँ क्या, अब मैं चाहता हूँ जब मेरा ये इसमें ना डिवाइसेस है वो अलग अलग पॉइंट्स पे ब्रेक है। लाइक मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ कि ब्रेक पॉइंट्स ठीक है, ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स है।
ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, या फिर मैं ब्रेक पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है, एम डी ब्रेक पॉइंट्स है। हाँ एम डी है, एक पहले एस एम आता है, ठीक है, एस एम स्टार्स फॉर स्मॉल डिवाइसेस, ठीक है, एम डी स्टार्स फॉर मीडियम डिवाइसेस, ठीक है, एल जी स्टैंड फॉर लार्ज डिवाइसेस और एक्सेल स्टार फॉर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप बाय डिफॉल्ट जो चीज लिखते हो वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए, स्मॉल डिवाइसेस से लेके लार्ज डिवाइसेस के लिए अप्लाई होती है, ठीक है, ये बात समझ लो, जो आप अभी लिखे वो स्मॉल डिवाइसेस से लेके लार्ज डिवाइसेस तक अप्लाई हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, स्मॉल डिवाइसेस है, समझ गए ना, स्मॉल डिवाइसेस से लेके लार्ज डिवाइसेस तक अप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या, बेस बेस मतलब कौन सा है, अभी स्मॉल डिवाइसेस है, ठीक है। सो अभी मुझे क्या बताना है, लाइक ऐसे कर दो, मुझे क्या करना है, जैसे ये स्मॉल डिवाइसेस पे हो ना, ये फ्लेक्स कॉलम हो, ठीक है, सो लाइक ये फ्लेक्स है, तो मैं अगर इसको फ्लेक्स कॉल करूँ ना, फ्लेक्स कॉल, तो आप देखोगे कि फ्लेक्स कॉलम तो ये हो गया, बट ये सबके लिए ही फ्लेक्स कॉलम हो गया भाई, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्मॉल डिवाइस के लिए फ्लेक्स कॉलम है, ठीक है, जब ये मीडियम डिवाइसेस पे जाएगा तब क्या कर दो, फ्लेक्स रो कर दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभी स्मॉल डिवाइसेस पे तो ऐसा है, मीडियम डिवाइसेस से आगे मतलब अभी कैसा, स्मॉल डिवाइसेस पे ये था, ठीक है, फ्लेक्स कॉल है, जैसे मीडियम डिवाइस का ब्रेक पॉइंट हो जाए हिट, तब ये फ्लेक्स रो कर दो, ठीक है, फ्लेक्स रो कर दो। सो अभी देखो कि जो मेरा स्मॉल डिवाइसेस है, ये आईफोन एसी मेरा स्मॉल डिवाइसेस है, आईफोन 12 प्रो मेरा स्मॉल डिवाइसेस है, बट सरफेस प्रो 7 मेरा मीडियम डिवाइस है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कुछ करूँ कि मीडियम डिवाइसेस पे ये, अब मैं इसको बोलूँ कि लार्ज डिवाइस पे फ्लेक्स रो जाओ, तो देखो मीडियम डिवाइसेस पे भी इसने सेम ही दिखाया, ठीक है, फ्लेक्स कॉल ही है, जब ये लार्ज डिवाइस हिट हो जाएगा तब जाके आपको वो रो दिखेगा, ठीक है। चलो ये आप एक डिफरेंस समझ लो, मैं इसको मीडियम रखना चाहूंगा अभी के लिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक स्मॉल डिवाइसेस हो तो जस्टिफाई सेंटर हो, मीडियम डिवाइसेस हो तो जस्टिफाई क्या हो, बिटवीन हो, ठीक है, जब लार्ज डिवाइसेस पे हो तब जस्टिफाई क्या कर दो, बिटवीन जस्टिफाई सेंटर कर दो, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर बिटवीन और जस्टिफाई इवेनली कर दो, या फिर जस्टिफाई स्टार्ट कर दो यार, ठीक है। देखो लार्ज डिवाइस स्मॉल डिवाइसेस पे बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई सेंटर हो, जब मेरा मीडियम डिवाइसेस हो तो जस्टिफाई बिटवीन हो जाए, बिटवीन मतलब आपको पता है इक्वल स्पेस, एंड लार्ज डिवाइस पे जस्टिफाई, अभी देखते हैं, अब ये कौन सा है, मेरा मीडियम डिवाइसेस पे है तो क्या जस्टिफाई बिटवीन अप्लाई हो रहा है, मैं जैसे स्मॉल डिवाइस पे जाऊंगा कौन सा हो रहा है, जस्टिफाई सेंटर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे लार्ज डिवाइस पे हिट करता हूँ देखो जस्टिफाई स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आप चीज़ों को ऐड कर देते हो और आप मजाक करते हो, ठीक है, ये बात याद रहे। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको याद, अभी आपको पता चल गया कि कैसा ब्रेक पॉइंट काम कर रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा होवर फोकस वगैरह के ऊपर जाते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मेरा ये है, इसके ऊपर मैं जब होवर करूंगा, ठीक है, होवर करूंगा तब मैं चाहूंगा कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ होवर, ठीक है, होवर, मैं जब इसके ऊपर होवर करूंगा तब क्या हो जाए, बीजी हो जाए, वो हो रेड, कुछ 200 हो जाए, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा देखो रेड 200 हो जाए, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसके अंदर में जो कर्सर, जो मेरा एरो जा रहा है उसको भी पॉइंटर कर देता हूँ, तो मैं बोलूंगा कर्सर पॉइंटर, ओके। सो अब देखो इसके ऊपर जाऊंगा ना तो ये पॉइंटर हो जाएगा। अब मैं ना थोड़ा सा इसमें रेड की जगह पे थोड़ा सा पर्पल मिक्स कर देता हूँ, मैं बोलूंगा पर्पल 200 हो जाए, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पर्पल 200 भी अच्छा नहीं दिख रहा, ये 400 ही रहने दो, देखो ऐसा। बट मैं चाहता हूँ ना ये ना ये चीज इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन दिखे, ठीक है। तो ट्रांजिशन के लिए कैसे करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि ट्रांजिशन हो, ठीक है, ट्रांजिशन क्या, मैं भाई तुम ये जो लिख रहे हो वो मैं क्या सीक्वेंस में होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं सीक्वेंस में होना बिल्कुल जरूर नहीं, मैं चाहिए तो ट्रांजिशन इधर भी लिख सकता हूँ, इधर मतलब सिर्फ यही लाइन में, बट इधर भी लिख सकता हूँ उधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बट आपको मेंशन करना है कि आपकी जो ब्रैकेट्स है जिसके अंदर आप लिख रहे हो वो प्रॉपरली क्लोज हो गए हैं, ठीक है। देखो मैं बोलूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन
अब देखो यार यहाँ पे ट्रांसलेट वगैरह भी आप कर सकते हो, लाइक कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेट एक्सप्लोर किया तो देखो ट्रांसलेट एक्स लाइक सेंस से हुआ, वो सब आप कर लो बाद में। कुछ ट्रांजिशन ऑल करो, ठीक है। ऑल ऑल मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको ऐड हो गई। अब मैं बोलूंगा इसके अंदर ईज इन आउट हो, एक एनिमेशन हो, ठीक है। आपको पता है ईज इन आउट क्या होता है, थोड़ा सा एक इफेक्ट दिखे। और मैं बोलूंगा इसको डिले कर दो, डिले 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 300 का कर दो। तो देखो जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा एक छोटा सा, देखो एक देखो आपको एक इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, देखो एक एनिमेशन टाइप बन गया, ठीक है। और ईज इन आउट डिले 300, या फिर मैं इसको 100 भी दे। तो देखो यार आप देख रहे हो थोड़ा सा एक इफेक्ट बन गया मस्त वाला, ठीक है। दैट्स हाउ आपकी चीजें काम करती है, ठीक है। अब यार मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा और मुझे इसकी नीड नहीं, मुझे ये जस्टिफाई बिटवीन, मैं जस्टिफाई सेंटर से ही बहुत। आई होप आपको ये ब्रेक पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं, आपको वापस से देखना पड़ेगा वीडियो को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना मैं एक बॉर्डर बना ही देता हूँ, बॉर्डर एक छोटा सा बॉर्डर बन जाएगा, ओके। सेगमेंट जो डिवाइड कर रहा है उसमें बॉर्डर टू करूंगा तो देखो बॉर्डर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आपको चीज दिखाता हूँ, लाइक फॉर्म ही बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट करूंगा, ठीक है। नेम इसका दूंगा टेक्स्ट, आईडी क्या दूंगा मुझे पता नहीं, और मैं इसके बाद समझो प्लेस होल्डर लिख दिया एंटर योर नेम, ठीक है। तो एक इनपुट बन गया, ठीक है, एक इनपुट बाय डिफॉल्ट ऐसे बन गया। अब यार देखो इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करूंगा, मैं क्लास दूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम्हारा बीजी कलर है ना वो क्या हो जाए, वो ग्रे हो जाए, ग्रे ग्रे 200 हो जाए। तो देखो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे 200 हो गया, चलो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, ग्रे 300 कर देते हैं, तेरा ना मेरा, ठीक है, चलो कर देंगे। अगर मैं इसको पैडिंग एक्स से 3 दूँ तो देखो क्या हो रहा है, अंदर से पैडिंग एक्स में 3 ऐड हो रहा है, पैडिंग पैडिंग एक्स से 3 ऐड हो रहा है, पैडिंग वाई से 5 कर दूँ तो देखो पैडिंग वाई से 5 ऐड हो रहा है, जो भी बहुत घटिया दिख रहा है इसलिए मैं 2 ही रख दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको टेक्स्ट सेंटर कर दूँ, सो देखो वो टेक्स्ट अंदर का जो है वो सेंटर पैड हो गया, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करूँ मैं उसके, अगर टेक्स्ट टेक्स्ट ग्रीन या फिर पर्पल, पर्पल 700 कर दूँ तो अभी देखो कि अंदर में जो लिखूंगा ना वो पर्पल में हो गया, ठीक है, वो अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, मुझे इसको ग्रीन करने दो, और वो भी 400 के आसपास तो कुछ अच्छा दिखेगा, लाइक ऐसे नहीं, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा। मैं टेक्स्ट ब्लू करूँ तो क्या अच्छा दिखेगा, क्या ब्लू करूंगा तो ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसका ये चीज है, इसको एक आउटलाइन आ रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ मुझे आउटलाइन चाहिए, नहीं तो मैं बोलूंगा आउटलाइन, और मैं देखूंगा कितना है। तो अगर मैं आउटलाइन डबल करता हूँ तो कौन सा आउटलाइन आता है, तो देखो यार अगर मैं कर रहा हूँ तो आउटलाइन डबल आ रहा है, जो कि बहुत, मैं इसको कंट्रोल और जूम करता हूँ थोड़ा सा। अब आप देखो, देखो ये आउटलाइन कैसी आ रही है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही, सो मैं इसको आउटलाइन नन कर दूंगा। अभी आउटलाइन आएगी ही नहीं, अभी आउटलाइन आएगी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड ROUND, राउंडेड MD कर देता हूँ, तो देखो ये मीडियम साइज में राउंडेड हो गया, ठीक है। एक मैं मैं मार्जिन लेना चाहूंगा हर डायरेक्शन से 4 की, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब यार देखो मैं इसके ऊपर मैं बोलूंगा कि जब मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर जब फोकस करता हूँ तब क्या हो जाए, तब ना इसका विद जो होता है वो हो जाए, विद कितना हो जाए 200 पिक्सल, ठीक है। अब देखो जब मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा तो देखो इसका विद देखो चेंज हो रहा है, देखो विद देखा आपने, इसका विद मैं इनफैक्ट मैं अगर मैं 500 पिक्सल कर, देखो विद देखो बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा जूम करके, जूम बहुत ज़्यादा किया मैंने, देखो ये ऐसा करो तो विद बढ़ रहा है। अब मैं इतना ज़्यादा तो नहीं दूंगा, इतना कर दूंगा डबल थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा अगर मेरे को अगर कुछ करना होगा, लाइक मैं उसको बोलूंगा ट्रांजिशन ऑल, ट्रांजिशन ऑल दूंगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा चेंजेस हुआ क्या, कुछ नहीं चेंजेस हुआ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये क्या होगा, ईज इन या फिर ईज इन आउट होगा, तो देखो थोड़ा सा थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस, देखो थोड़ा 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 बहुत चेंजेस ऐड हो गया। अब मैं उसको बोलूंगा डिले, डिले 520। देखो अभी देखो थोड़ा बहुत आपको एनिमेशन दिख रहा है, मैं अगर इसको डिले कुछ ऐसे कर देता हूँ वो 500, तो देखो यार
देखो थोड़ा सा चीजें दिखा, तो आप अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो। लाइक मैं अगर कुछ इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, ड्यूरेशन करूँ, ड्यूरेशन 200 करूँ, तो देखो यार अब देखो यार ये मैं बेसिकली डिले 100 कर देता हूँ और ड्यूरेशन ड्यूरेशन ज़्यादा रखता हूँ। ये बड़ा होने वाला है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं इसका ड्यूरेशन रखता हूँ कुछ 1001। तो देखो कैसा हो जाता है अभी चीज़ें, देखो थोड़ा बहुत आपको चीज देखो थोड़ा मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश करूँगा। देखो आप ऐसे ही इसके साथ खेलो, बहुत अच्छे से खेलो यार, बहुत अच्छे से खेलो, बहुत मजा आएगा आपको। ड्यूरेशन 75 रखूंगा तो ठीक है। और वैसे आपको इतना घटिया एनिमेशन नहीं करना चाहिए कभी भी, और मैं इसका विड्थ 230 दूंगा तो शायद ये सही दिखेगा। ठीक है ये देखो ये ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म देखो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही रहता है। आपको इस चीज को ट्राई आउट करनी चाहिए। ट्रांजिशन इन करूंगा, ट्रांजिशन आउट करूंगा तो आप देखोगे फर्क पड़ेगा। देखो फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। डिले 100 दूंगा, डिले 1000 दूंगा, तो देखो कितना फर्क पड़ता है। देखो फर्क पड़ता है चीजों में, आप इसको ट्राई आउट करो बहुत अच्छे से। कुछ कुछ नई नई चीजें कर रखी है, वैसे ही ये बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है वैसे बहुत सारी चीजें एक अभी समझो यार, मुझे इसको पूरा अपर केस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा यहाँ पे आके नहीं इसको नहीं, मुझे इस ये जो टेलविन कैश से मुझे सब कैपिटल में चाहिए, तो मैं बोलूंगा अपर केस। अपर केस हो गया, इसको बोलूंगा लोअर केस, तो ये लो हो गया। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके मस्ती किया तो देखो लोअर केस में हो गया। वैसे और बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो इतने सब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इतने सब ऑप्शंस आपको देखिए करने हैं यार, एक्सप्लोर करने हैं बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कोर वगैरह बताया, ठीक है देखो कितना है कितना है। ठीक है और आपको एक इम्पोर्ट एक एक मस्त चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है मस्त चीज़ दिखाऊंगा। लाइक देखो मैं पहले बटन बना लेता हूँ, ठीक है बटन बना लेता हूँ, बटन का नाम लिखता हूँ क्लिक मी। ठीक है बटन मेरा क्लिक मी बोलता है, क्लिक मी। अब ये बटन तो कुछ ऐसा दिख रहा है, अब बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। ठीक है क्लास नेम दूंगा तो मैं पैडिंग X3 दूंगा, ठीक है पैडिंग Y2 दूंगा, बॉर्डर 2 दूंगा, ठीक है बॉर्डर या फिर बॉर्डर मैं रखता नहीं, मैं इसको टेक्स्ट ब्लैक दूंगा। ठीक है टेक्स्ट ब्लैक, और मतलब टेक्स्ट ब्लैक से उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। देन मैं इसको फॉन्ट बोल्ड दूंगा, ठीक है या फिर टेक्स्ट ना टेक्स्ट व्हाइट देता हूँ, व्हाइट देता हूँ, फॉन्ट ना इसका बोल्ड होगा। ठीक है तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके अब मैं इसका BG बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में इसका ग्रे करूंगा, 300 करूंगा, ठीक है 300 ग्रे करूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं काम करता हूँ इसको ना ग्रीन 400 कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है मैंने इसको कर दिया राउंडेड, राउंडेड MD, तो ये राउंडेड है हो गया। मैं चाहिए तो उसको टेक्स्ट सेंटर करके देखता हूँ क्या चीज़ हो रही, और कुछ नहीं हो रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा टेक्स्ट सेंटर, बिकॉज इसका स्कोप भी मैटर करता है। चलो यार ये हो गया। अब अगर मैं इसको एनिमेट कुछ ऐसा करूँ ना, एनिमेट अभी आप चीज़ देखो यार, अगर मैं इसमें एनिमेट पल्स करूँ तो देखो यार एनिमेट क्या हो रहा है। ठीक है देखो एक एनिमेशन हो रहा है, देख रहे हो देख रहे हो आप, देखो ठीक है ठीक है देखो ठीक है। एनिमेट बाउंस करूं अब देखो एनिमेट कैसा कैसा, मतलब टीवी सीरीज यार नेक्स्ट लेवल यार, अगर आप डीप डाइव करोगे बहुत बहुत सही है यार, बहुत सही है। ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट नहीं, मैं जब इसके ऊपर होवर करूँ ना तो ये बाउंस हो, तो मैं बोलूंगा जब होवर करूँ तब एनिमेट बाउंस हो। इतना इजी है भाई, इतना इजी है। देखो यार अभी कुछ नहीं कर रहा, होवर करना ये बैलेंस, ये बाउंस करना चालू हो गया। ठीक है अच्छा है, अच्छा लगा आपको, मजा आया, इतनी चीज आपने सीख ली, ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है चलो चलो ग्रेट ग्रेट, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे ये सब चीजें को रिमूव करने दो। ठीक है
एक्चुअली जितनी चीजें आपको सीखनी चाहिए थी मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, आप सिर्फ बोलो लिखो, मैंने पूरा मेथड आपको बता दिया। एंड यस यस वन मोर थिंग, अगर आपको इसके हेल्प के थ्रू प्रोजेक्ट से, बेसिकली अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, बट मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूँ कि अगर आपको इससे बनाया हुआ प्रोजेक्ट चाहिए तो अपने चैनल के ऊपर आप जाओ, एक पोर्टफोलियो साइड है जो HTML और टेलविन CSS से बनी हुई है, ठीक है। HTML और टेलविन CSS से, मन स्टैक वाली नहीं, ओके। वो जाके जाके देखो एक्चुअल डेवलपमेंट वहाँ पे, ठीक है। उसमें मैंने शायद से CDN यूज किया है, तो आप देखिए। अब यार मैं ये पूरा मसाला यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं ये वाला पार्ट, दैट इज मेकिंग अ वेबसाइट इन लेस देन 10 मिनट्स। मैं जैसे स्टार्ट करूंगा, आपको क्या करना है, बेसिकली टाइमर एक स्टार्ट कर देना है ताकि आपको भी लगे कि 10 मिनट के अंदर साइट बना रहा है, ठीक है। चलो 3 2 1 स्टार्ट करो। चलो मेरे को साइट बनानी है, तो बेसिकली मुझे समझो क्लाइंट ने काम दिया है, मुझे 10 मिनट में साइट चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत या फिर आधे घंटे में साइट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेल टेल प्लस डॉट सीसी पे जाऊंगा। अब टेल ब्लॉक्स क्या है, एक साइट है जिसके ऊपर टेलविंड के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साइट में क्या होता है, नया बार होता है, तो मैं यहाँ पे नया बार सर्च करूंगा, कहाँ पे मेरा नया बार, ये नया बार, नया बार, ये नया बार, ठीक है, मेरे लिए ये नया बार ठीक है, ये नया बार ठीक है, या फिर ये नया बार ठीक है, मुझे ये नया बार अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे आऊंगा व्यू कोड, आई विल कॉपी दैट मसाला, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मुझे करनी है यहाँ पे कॉपी का, हाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, यहाँ पे बॉडी के अंदर आया, लिख दिया मैंने यहाँ पे नया बार, ताकि मुझे बाद में क्लियर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, देखो ये अप्लाई हो गया, मेरे साइड के ऊपर नया बार आ गया भाई, ठीक है। और करो चैलेंज, ओ शिट मैंने उसको क्लोज कर दिया थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जोश जोश में। सो मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्पोज करता हूँ एंड वापस से लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ। सो देखो यार ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा, यार मेरा टाइम जा रहा है क्या, मेरा टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, मैं भूल गया, ठीक है। अब मेरे इसमें एक हीरो सेक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे आके देखूंगा क्या यार हीरो सेक्शन है मेरे लिए अवेलेबल। यस मेरे लिए है हीरो सेक्शन अवेलेबल, एंड दिस वुड बी द बेटर, वन ऑफ द बेटर हीरो सेक्शन फॉर मी। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है मेरे हीरो सेक्शन में, कुछ अलग ही होगा, लाइक ये यार हीरो सेक्शन कहाँ पे यार, इसमें कुछ तो होगा यार, फीचर वीचर मिल रहा है, गैलरी मिल रही है, हेडर मिल रहा है, ये या दिस शुड वर्क फॉर मी। ये देखो ये मस्त है, नहीं, ये लास्ट में लगाते हैं, ये ऐसे बीच में थोड़ी लगाएंगे, बीच में नहीं लगाते। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, या फिर ये ठीक है, ठीक है। ये हीरो सेक्शन है, यहाँ पे मैं 2 बटन दूंगा, यहाँ पे मेरा कुछ तो नाम रहेगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, व्यू कोड कॉपी टू क्लिप कोड, एंड देन मैं यहाँ पे इसको मैंने मिनिमाइज करूंगा ताकि ज्यादा बल्कि ना दिखे कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा हीरो सेक्शन, आप सिर्फ टाइम लगाओ यार, 10 मिनट के अंदर बन ही जाएगा आराम से। मैं कितना, वैसे भी मैंने कितना टाइम पास किया, फिर भी देखो मेरा हीरो सेक्शन है, मैंने उसको भी बंद कर दिया, ठीक है। मेरे साइड के ऊपर अभी मेरा एक हीरो सेक्शन और मेरा एक अच्छा सा नेवर है आ गया है, ठीक है। मजेदार की बात बोलो कि ये जो है ना ये रेस्पॉन्सिव है, ठीक है, बहुत अच्छा है। देन मैं चाहता हूँ कि मेरे इसमें ना एक थोड़ा सा, एक कौन सा कंपोनेंट हो, लाइक मेरे इसमें थोड़ा सा प्राइजिंग टाइप कुछ चीज़ें हो, लाइक ये हो, ठीक है, कि मैं ये सब चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ, ये मेरे पोस्ट है, या फिर कुछ ऐसे ही, नहीं ये ब्लॉग्स का टाइप हो गया, ब्लॉग्स नीचे मुझे थोड़ा सा ये चाहिए, ठीक है, कि मेरे इसमें ये फीचर्स है ऐसे कुछ। हाँ ये सही लग रहा है, ये सब फीचर्स है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, ये सब मेरे पे फीचर्स है। तो मैं व्यू कोड करूँगा, दैट्स कॉपी टू क्लिप बोर्ड, एंड हियर इज दैट पार्ट। ये मेरा क्या है, ये मेरा कौन सा फेस सेक्शन है, मेरा TURES, ठीक है, फीचर्स वाला सेक्शन है। पेस्ट करूंगा और आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा साइट लोड हो, मैं इसको पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ, मैं इसको बाद में एडिट भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। वो OMG देखो कितना सीमलेस डिजाइन निकला, राइट, हीरो सेक्शन बाद में मेरा ये, ठीक है। चलो यार और क्या कर सकता हूँ मैं, और मुझे चाहिए कुछ ऐसे फीचर्स लाइक ये वाली, ठीक है। मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ इसके पास, प्राइजिंग भी मेरा रहेगा, प्राइजिंग वाला मैं चाहिए तो गैलरी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, गैलरी मैं ऐड कर सकता हूँ ऐसे, ओके, ये भी मैं ऐसा ग्रिड ऐड कर सकता हूँ, चलो ये भी ऐड कर लेते हैं,
ये कोड चलो मेरा साइट है ना यार, मैं 10 मिनट में कुछ भी करूँ, गैलरी ऐड कर देता हूँ, ठीक है चलो ये भी कर लिया। यहाँ पे सिर्फ आपको ना इमेज चेंज कर लो, काम भारी, चलो ठीक है हो गया। देखो यार इतना तो मैंने कर दिया, मेन मेन चीजें मेरी हो गई, मैंने साइट एक बना ली, लेकिन साइट कब कंप्लीट होती है, जब हमारे पास एक कांटेक्ट फॉर्म होता है यार, कांटेक्ट फॉर्म भाई मिल जा, ठीक है कांटेक्ट फॉर्म, या फिर हमारे टीम मेंबर्स का भी नाम आप डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट अब मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहूँगा क्योंकि यार आपको बेसिकली चीज़ें पता चल रही है कि कैसे हो रहा है। सो मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ढूंढने दो एंड देन कॉल टू एक्शन, ये सब कॉन्टैक्ट फॉर्म ही है, ठीक है मैं गूगल मैप्स वाला लूँगा, यहाँ पे जो गूगल मैप वाला रहता है वो बहुत अच्छा से काम करता है। कहाँ पे गया वो गूगल मैप, ये वाला, ठीक है ये वाला मुझे खास पसंद है। यहाँ पे पीछे एक गूगल फॉर्म ये मैप आता है, ठीक है ये भी चलेगा कोई बात नहीं, बट मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है व्यू कोड करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा एंड दैट्स इट। फॉर्म कॉन्टैक्ट या फिर कॉन्टैक्ट, कितना टाइम लगा यार ये करने में, कितना टाइम लगा आप बताओ, कितना टाइम लगा? टेलवेट सीएसएस ऐसे ही आपको डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये क्लासेस से, ऊपर से उसके प्रीमेड कंपोनेंट्स अलग आते ही हैं, तो यार बहुत मजा आता है ये चीजों को करने में। देखो यार कितना अच्छा दिख रहा है मेरा साइट, शायद से ये फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा मुझे मतलब यहाँ पे घिरे घिरे लग रहा है, पर ठीक है यार आप और क्या ही चाहोगे, बहुत अच्छा तो वैसे अच्छा तो साइट बन गया, और मुझे ट्राई करूंगा। देखो यार कितना पूरा रिस्पॉन्सिव है, पूरा रिस्पॉन्सिव है, पूरा रिस्पॉन्सिव है, देखो देखो, और आईपैड मिनी पे करो, देखो ये स्मॉल डिवाइसेस मीडियम डिवाइसेस, मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई सब यहाँ पे यूज़ हो रही है, इनफैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज़ होगी, लाइक अगर मैं कॉन्टेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो देखो यार यहाँ पे ये आई फ्रेम वगैरह छोड़ दो, ये क्या ये तो एचटीएमएल है, देखो बीजी, ये देखो ये राउंडेड बॉर्डर, ये देखो चीज़ें यही है, फोकस करूंगा तो ये होगा, ठीक है बाकी फोकस इंग्लिश वही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो हाइट, हाइट क्या विड और हाइट आपको तो पता ही दिए मैंने, आउटलाइन नन दिखाया, ठीक है क्या क्या चीजें हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। कैसा लगा ये जो 10 मिनट वाला सेक्शन था, और ओवरऑल कैसे कोर्स लगा मुझे प्लीज बताओ, क्या आपको सीखने मिला, क्या नहीं, क्या ऐड करना चाहिए क्या नहीं, सब बताओ। सो नेक्स्ट कोर्स में हम उस चीज को ऐड करके सब अमेजिंग कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी या, हैव अ गुड डे, वो वीडियो देखो पोर्टफोलियो साइट का, एंड बाय बाय गाइज।